हाथों में इंसाफ के पोस्टर लिए दिल्ली की सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे ये हैं तिलक नगर के लोग। दिल्ली के तिलक नगर में बढ़ती आपराधिक घटनाओं के खिलाफ स्थानीय विधायक जरनैल सिंह के साथ लोगों ने कैंडल मार्च निकाला। ये मार्च पृथ्वी पार्क से लेकर तिलक नगर थाने तक निकाला गया। हाथ में मोमबत्तियां लेकर सड़क पर उतरे इन लोगों ने कहा कि पिछले एक महीने में 3 ऐसी घटनाएं हुई हैं जिससे पुलिसिया कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। पिछले 15 दिन के अंदर 3 बड़ी वारदातें हुई हैं। पहली वारदात तिलक विहार चौकी के अंदर एक बच्ची ने खुदकुशी की, पुलिस की मौजूदगी में, बहुत ही शर्मनाक है। दूसरी 25 जुलाई को 20 ब्लॉक तिलक नगर के अंदर प्रिंस नाम का लड़का जिसकी उम्र 19 साल थी, वो उसका शव लटका हुआ मिला। तीसरी वारदात 3 दिन पुरानी है जिसमें संतगढ़ में एक लेडीज अपने घर में हैंग मिली। अफसोस की बात यह है कि परिवार की तरफ से बयान होने के बाद, तमाम फॉलोअप होने के बाद भी 25 जुलाई को बीते आज 10 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं, अभी तक इस मामले में FIR तक नहीं निकली है। परिवार परेशान है, बार बार चक्कर काट रहा है, तब पुलिस महकमे के SHO के कान पर जूं तक नहीं गई। तो आज पूरे इलाके में इस चीज़ का रोष था, पूरा इलाका इकट्ठा हुआ कि जो संतगढ़ में 2 दिन पहले महिला चल गई मिली है, पूरा मोहल्ला कह रहा है कि ये सुसाइड नहीं हो सकता, ये मर्डर है। पर पुलिस को उसमें कुछ समझ नहीं आ रहा, वो कह रहे जी नहीं जी रिपोर्ट आएगी पोस्टमार्टम की, उसके बाद रिपोर्ट लेंगे, ऐसा वैसा है। तो आज पूरे इलाके ने इकट्ठा होकर रोष पेश करते हुए यहाँ पर कैंडल मार्च किया। विधायक का यह भी कहना था कि आप सरकार शुरू से दिल्ली पुलिस को जवाबदेह बनाने के लिए दिल्ली सरकार के अधीन लाने की बात कह रही है, लेकिन राजनीतिक रस्साकशी के चलते ऐसा नहीं हो पा रहा है। तो वहीं स्थानीय लोगों का आरोप था कि पुलिस मामलों की सही से जांच करने के बजाय पीड़ितों को ही धमकाने का काम करती है। दिल्ली से नवोदय टाइम्स के लिए सुदीप सिंह की रिपोर्ट।